आज ना हम गुजरात के पाटण का बहुत ही फेमस देवड़ा बनाएंगे, जिसे कच्छ में साटा भी बोला जाता है और अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसको खाने का एक अलग ही मजा है। तो चलिए जल्दी से परफेक्ट देवड़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। देवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसका आटा रेडी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी जो जमा हुआ होता है ना, वही लेना है। और चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सबको हमें बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। ये देवड़ा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो देखिए इस तरह का इसका बाइंडिंग आना चाहिए, इतना हमें इसमें घी डालना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। पानी हमें इसमें ज़्यादा डालना नहीं है, 2 से 3 टेबलस्पून पानी में ही हमारा ये डो रेडी हो जाएगा। तो पानी पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके ही इसका डो रेडी करना है, क्योंकि इसका डो हमें थोड़ा सा सख्त बनना है। तो ये देखिए हमारा डो तो रेडी हो गया है। अब हमें डो को ना 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। तो इसे ढककर रख देंगे ताकि इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, तो इसमें से बॉल्स बनाना इजीली हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब ना इसमें से हम रोटी के साइज के बॉल्स बनाएंगे। अच्छे से मसल के सबसे पहले इसका बॉल बनाएंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसका पेड़ा बना लेंगे। तो इसी तरह हमें साटा का शेप देना है। तो सारे साटा हम इसी तरह से बना लेंगे और उसके बाद हम फोक का यूज़ करके इसमें ना थोड़े से छेद बना लेंगे। छेद हमें ज़्यादा अंदर तक नहीं बनाने हैं, बस ऊपर ऊपर से ही बना लेने हैं, ताकि जब हम इसे चाशनी में डीप करेंगे ना तो चाशनी अंदर तक जाएगी। तो देखिए मैंने सारे साटा में अच्छे से छेद कर दिए हैं। तो चलिए अब ना हमें इसे फ्राई करना है। तो मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। कुछ लोग तेल और घी मिक्स करके देवड़ा को उसमें फ्राई करते हैं, मैंने ओनली तेल दिया है। आप ओनली घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल ही लो रखना है और अब सारे साटा को हम फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। और अब हमें बिल्कुल धीमी आंच पे साटा को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि साटा ना अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम सारे साटा को पलटा लेंगे और दोनों साइड से हमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। साटा को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसे फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम एकदम धीरे होनी चाहिए। इससे ना हमारा साटा एकदम खस्ता और एकदम सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि हमने भर भर के इसमें घी डाला है। तो थोड़ी देर के बाद ये देखिए हमारे साटा का बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो हमारे साटा परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और अब हमें शुगर सिरप बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर ली है। जिस मेजरिंग कप से हमने मैदा लिया था, उसी मेजरिंग कप से हम 1 कप शुगर लेंगे। इसे हम एक कढ़ाई में डालेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप पानी डालेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब गैस के फ्लेम को ना एकदम फुल कर देंगे और हमें 2 तार की शुगर सिरप बनानी है। तो हमें इसे फुल फ्लेम पे ही उबालना है। बीच बीच में इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे। जब 2 तार की चाशनी बनेगी ना, तो आप इसे हाथों से भी चेक कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कढ़ाई में चाशनी साइड्स में चिपकने लगेगी और ये थोड़ी सी हार्ड भी हो जाएगी, तो उस तरह से भी आप चाशनी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए चाशनी उबल रही है, तब तक हम एक थाली लेंगे और थाली को उल्टा करके उसको ना घी से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए चाशनी ना साइड्स में चिपकना भी शुरू हो गई है। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल बनके तैयार है। तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और अब हमने जो देवड़ा फ्राई करके रखा है ना, वो इसमें डालेंगे और देवड़ा को हम चाशनी के अंदर अच्छे से डीप करेंगे। उसके बाद इसे चाशनी से निकाल के हम ग्रीस करी हुई थाली के ऊपर रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे। सारे देवड़ा को इसी तरह से शुगर में डीप करके थाली के ऊपर रख देंगे और ऊपर से ना हम थोड़ी थोड़ी करके शुगर सिरप डालेंगे। अगर आपको शुगर का मोटा लेयर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार ये देवड़ा सेट हो जाए, उसके बाद ऊपर से इसके ऊपर फिर से शुगर सिरप डालनी है। इसी तरह से 2-3 लेयर बनाएंगे ना, तो ये एकदम गाढ़ा लेयर बनेगा। देवड़ा के ऊपर जब हम गर्मा गर्म सिरप डालेंगे ना, उसी टाइम पे इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता की कतरन डाल देंगे और थोड़े से रोज़ पेटल्स भी डाल देंगे। इससे ना इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा।
और अब हमें इसे ना आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारी जो शुगर सिरप है ना वो भी अच्छे से जम जाएगी। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारा देवड़ा अच्छे से सेट हो गया है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों मेरी इस रेसिपी से देवड़ा या फिर साटा बना के एक बार जरूर ट्राई करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा देवड़ा एकदम सॉफ्ट और खस्ता बना है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस दिवाली पे आप भी ये मिठाई बना के ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे दिवाली स्पेशल नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।